टी20 वर्ल्ड कप से पहले ओपनिंग जोड़ी को लेकर बुरी तरीके से फंस गई टीम इंडिया। जगह एक दावेदार पूरे पांच। अब कौन करेगा ओपनिंग? टेंशन में रोहित और राहुल द्रविड़। ऊपर से एक खूंखार ओपनर यूएसए भेज दिया है बीसीसीआई ने, जो लेवल है 20 की उम्र में खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के मारता है। सब एक से बढ़ के एक हैं। अब कैसे बनेगी टीम? कौन से यहाँ पर दोस्तों ओपनर्स रहने वाले हैं भारतीय टीम की टीम में? और कैसे एक जगह के लिए पांच पांच दावेदार हैं, वो भी ओपनिंग जोड़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ? तो कैसे ये टीम बनेगी और कैसे भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल के खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप पर है। टी20 वर्ल्ड कप जिसकी शुरुआत यहां पर 2 जून से होने वाली है। 2 जून का इसका पहला मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स बनाम कनाडा के बीच खेला जाने वाला है। लेकिन एक मैच है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, और वो मुकाबला जो खेला जाने वाला है दोस्तों वो 5 जून को खेला जाएगा। जब 5 जून के दिन भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने वाली है, जो कि यहाँ पर दोस्तों लीग स्टेज का भी यहाँ पर 8वां मैच होगा। वैसे में 5 जून को जब भारतीय टीम आमने सामने होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आएगा यहाँ पर दोस्तों, वो ओपनिंग जोड़ी को लेकर है। दरअसल अगर आप टीम इंडिया के ओपनर्स को देखोगे तो उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अब जगह तो केवल एक ही बच रही है। अब अगर ऐसे में दोस्तों दावेदारों को देखोगे तो एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों को लेकर। दरअसल अगर ओपनर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें रोहित शर्मा का नाम कन्फर्म है, लेकिन सेकेंड ओपनर को लेकर अभी भी टीम इंडिया थोड़ी सी कन्फ्यूजन में नजर आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के पास कई बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि रोहित शर्मा सबसे पहले एक ओपनर तो हो ही जाते हैं, उसके अलावा संजू सैमसंग भी ओपन करना जानते हैं, उनको भी टीम इंडिया यहाँ पर ओपनिंग करवाना चाहेगी क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल इसी में यहाँ पर उनका भी नाम आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों अभिषेक शर्मा का नाम यहाँ पर नजर आता है, संजू सैमसंग जो कि भले ही खेलते मिडिल ऑर्डर में है लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ऊपर आकर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो अगला नाम निकल कर आ रहा है वो नाम तो और भी ज्यादा शौकीन है। वैसे में दोस्तों वो नाम है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल का आईपीएल ठीक ठाक रहा है, उनको भी टीम इंडिया काफी दिनों से पिक करने की सोच रही है। उसके अलावा दोस्तों और भी जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नाम है। वैसे में दोस्तों बीसीसीआई ने एक और नाम भेजकर सबको शॉक कर दिया, और वो नाम यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कौन है, वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के अच्छे प्रदर्शन के बाद उनको यहाँ पर बीसीसीआई ने सीधा टीम इंडिया के कैंप में भेज दिया, और वर्ल्ड कप में होने वाले मैचेस में वो बैकअप में रहेंगे। लेकिन अगर उनको यहाँ पर टीम में जगह बनानी है तो ऑलरेडी 4-5 जो ओपनर्स लिस्ट में है उनको यहाँ पर पिछड़ना होगा। वहीं एक और नाम जो निकल कर आता है दोस्तों इस लिस्ट में, वो नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली जो कि यहाँ पर टीम इंडिया के शानदार ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं पिछले कई सालों से, ऐसे में दोस्तों उनको भी बीसीसीआई पिक करना चाहेगी। तो ये पूरी की पूरी फेरिस्ट नजर आ रही है जिसमें कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए? वो तो कंफर्म है, लेकिन रोहित शर्मा के अलावा और कौन से ओपनर्स को आप यहाँ पर ओपनिंग करते वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।